कितनी बार ऐसा हुआ होगा आप किसी इंपॉर्टेंट मेल का या फिर मैसेज का वेट कर रहे होगे और अचानक से नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन होता है स्पैम। तो वो जो फीलिंग होता है ना, वो आप समझ रहे हो कैसा होता है। अगर आप भी फालतू के ईमेल से या फिर स्पैम ईमेल से परेशान हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर पाओगे जो अनवांटेड ईमेल्स आपको आ रहे थे। अब ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये काफी सिंपल है और इसको करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेगा। तो स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है unroll.me। जैसे ही आप ये टाइप करोगे, ये वेबसाइट आपको खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ हमें करना है गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। तो मैं एज अ गूगल से लॉग इन कर लेता हूँ। अब जो भी आ रहा है सबको बस ओके करते जाना है आपको, और ये काफ़ी ईजी है। यहाँ पे जब ये आ रहा है तो इसको लेट्स गो कर देते हैं। अब हम ओके गॉट इट ऑसम कूल स्टार्ट एडिटिंग। अब इतने सारे जो वेबसाइट्स हैं, ये फालतू के मुझे नोटिफिकेशन भेज रहे थे जिसका मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 17 न्यू ईमेल सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, तो इनको अब मैं धीरे धीरे हटाता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब unroll.me जो वेबसाइट है ये सिक्योर्ड है, तो इसके लिए आप डरे नहीं कि आपका डाटा कहीं लीक होगा या कुछ ऐसा प्राइवेसी कंसर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ है ये। तो अब इसके सेटिंग पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें वहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये गए हम यहाँ पे अपने सेटिंग पे गए, यहाँ मैनेज माई डाटा है, ऐड को भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, ऐड ट्रैकिंग ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर दिया मैंने। अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरे सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे हम गए फिर से सेटिंग पे। अब ये जो है यहाँ पे देखिए रोलअप्स के आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन किस टाइम पे चाहिए, जैसे फॉर मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून, इवनिंग, तो मैंने मॉर्निंग सेट कर लिया है। तो काफ़ी कूल फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं unroll.me वेबसाइट पे। अब मेरा जो स्कोर था वो था 17। अब आपका कितना स्कोर आता है ये हमसे आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। हमने सब जगह से अनसब्सक्राइब तो कर दिया, लेकिन बल्क में जो ईमेल पड़ा हुआ है हमारे मेल पे, हमें उसे भी डिलीट करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अब इस टिप के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होगा गूगल क्रोम। मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जीमेल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें अपना मेल एक्सेस करना है। तो जीमेल ओपन करने के बाद आपको अपना आईडी पासवर्ड एंटर करना होगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको सोशल का ऑप्शन दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, अपडेट्स दिख रहा है। तो मुझे सोशल में जितने ही मैसेज हैं इन सबको डिलीट करना है। तो जनरली हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, लेकिन इससे सिर्फ आपके 50 कन्वर्सेशन डिलीट होते हैं। अब देखिए फिर से ये आ गया। तो इसके हमें क्या करना है, अब हमें इसको ऐसे करना है, फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट और 911 कन्वर्सेशन, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फिर हम डिलीट करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे मेल से वो डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए अब सोशल हमारा एम्प्टी हो चुका है। अब मैं प्रमोशन पे चलता हूँ। अब प्रमोशन पे सेम हमें ऐसे ही करना है और ये हमें डिलीट कर देना है। अब प्रमोशन का भी हमारा टैब है वो खाली हो चुका है। अब हम चलते हैं अपडेट्स पे। तो यहाँ पे जाएंगे और अपडेट्स पे यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट 7800 कन्वर्सेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। अब ये फॉरम का टैब है ये हमारा ऑलरेडी खाली है। ये सुकून मुझे मिला है ना अपने इनबॉक्स को खाली करके, ये अलग सुकून है। आप भी ट्राई करिए, आपको भी मिलेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और टेक टक को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा।